नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों की 12 सीटों पर दावा ठोका है। वहीं पार्टी प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस और JMM के बीच दिल्ली में दूसरे दौर की बैठक चल रही है। पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक हो चुकी है और राज्य में दोनों पार्टियों के प्रमुख भी सीट बंटवारे पर चर्चा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और JMM अपने हिस्से की कुछ सीट महागठबंधन के दूसरे दलों को दे सकती है। दरअसल JMM इस बार अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी के खांचे से निकलकर वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में लगी है। पार्टी ने 5 राज्य जिनमें झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, ओडिशा और असम में भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और राजेश ठाकुर थे। वहीं JMM की तरफ से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और विधायक सुदीप कुमार सोनू थे। सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बैठक के बाद भी इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस JMM के साथ साथ अपने दूसरे सहयोगी दलों की भी चिंता कर रही है। झारखंड में अगर 50-50 का फॉर्मूला तय होता है तो दूसरी पार्टियों के हिस्से में सीट कैसे आएगी, इसे लेकर भी मंथन जारी है। कांग्रेस और JMM अपने अपने हिस्से से इन पार्टियों को सीट दे सकती है। ध्यान रहे कि झारखंड में JMM और कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन में RJD, CPI और CPI ML की भी दावेदारी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।